हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सपने देखने और उन्हें पूरा करने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आपका सपना भी है कॉलेज व्याख्याता बनना, तो आज आपका ये भाई आपके लिए बहुत 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 शानदार एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, इतने लंबे समय से आपसे रूबरू नहीं हो पाया, तो उसके लिए अपने इस भाई को माफ़ कीजिए, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं वचन देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से कंटिन्यू अपन वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ एक बार अपने इस भाई को ज़रूर माफ़ कीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके चेहरे पे मुस्कान ला देगी। क्यों? क्योंकि वो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके सपना कॉलेज व्याख्याता बनना है उसकी ओर आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक RTI के थ्रू जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका जवाब आया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये RTI कब की है ये देखिए, दिनांक है 24/2/2023 को जो है RPC ने प्रत्युत्तर दिया था, आंसर किया था। RTI प्रार्थी जो थे वो थे, ये इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, व्हाट्सएप पे आया था। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस RTI के थ्रू जो है एक जवाब तलब करा है, उस जवाब के अंदर छुपाव है आपके आने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2023 के संबंध में सूचना। देखिए, ये विषय क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराया जा रहा है। किसके थ्रू कराया जा रहा है? RPSC के द्वारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर दे रही है। किस में? आयोग कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था 14/2/2023 का, इसी फरवरी माह का जो है ये RTI लगाई गई थी RPSC ने, और RPSC ने इसका जवाब दिया है। और जवाब सुन के आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। देखिए, प्रत्युत्तर है आपका, आयोग के पास राजस्थान उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा जो है के सहायक आचार्य के कुल 1952, दोस्तों बेहद बहुत बड़ी भर्ती जो है कॉलेज व्याख्याता के लिए आने, अभी पिछले 10-15 साल में मैंने इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखी है। 1952 पदों पर जो है भर्ती होने जा रही है, इसके लिए विभाग से अर्थना प्राप्त हो चुकी है RPSC को। अब RPSC, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो दिसंबर 2022 के जो नेट में विद्यार्थी बैठ रहे हैं वह, फिर आपके सेट, इसका भी एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है, 26 मार्च कर दी गई है, अब याद रखिएगा दोस्तों यह। और फिर इसके बाद जून के अंदर फिर आपका नेट होगा। कहने का मतलब है, इतना ऊपर वाला चाहता है कि आप जो है कॉलेज व्याख्याता बने तो बने। इसके लिए आपको इतने स्वर्णिम अवसर एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है दोस्तों, इसको इनकैश करिए दोस्तों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, सेट का एग्ज़ाम जैसे ही होगा उसके विद इन ए मंथ आपके जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और ये आपके अप्रैल में रिजल्ट आ जाएगा। तो आप देख मान के चलिए, ये एग्ज़ाम आपकी भर्ती की जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो मई 2023 के आसपास जो है आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 1952 बहुत बड़ी भर्ती रहेगी दोस्तों। इसके संबंध में अपन, आज आपने जैसे मेरा थंबनेल देखा है, मैं जितने भी क्वेश्चंस मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू जो भी क्वेरीज मेरे को प्राप्त हुई है उन सब के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे। आप मेरे थंबनेल में जो देख रहे हैं, PhD अनिवार्य है या नहीं है, API स्कोर क्या होता है, आपके जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या वाला है, इन सभी पे अपन जो है बात करेंगे अपने इस वीडियो में। और मैं RPSC का नोटिफिकेशन भी आपके लिए लेके आया हूँ, साथ ही साथ API स्कोर के रिगार्डिंग आपके जो है UGC का जो रेगुलेशन है 2018, जो एक पेचीदा जो आपके रेगुलेशन है ड्राफ्ट है, उसके बारे में भी अपन आप चर्चा करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, आज बेहद
खास वीडियो अगर आपके लिए होने वाला है, अगर आप सपना देखते हैं कॉलेज व्याख्याता बनने का, तो देख लीजिए। ये मैंने पहले आपको खुशखबरी सुनाई है ताकि आप पूरे वीडियो में मोटिवेटेड बने रहें और अपना जो है पूरे संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के जो है आप तैयारी कर सकें कि अगर आप जो है सेट क्लियर हो जाते हैं तो दोस्तों 6 महीने के अंदर आप जो है कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। मई में एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आएगा तो सितंबर अक्टूबर के आसपास डेट आएगी आपके एग्ज़ामिनेशन की। सरकार भी चाहती है कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द कराया जाए ताकि आपको जो है इलेक्शन के माहौल में भी ये जो है एक तरीके से सरकार के लिए पॉजिटिव एक रूप में प्रस्तुत हो सके। तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पूरी ये अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपके डाल दूंगा ये RTI, तो आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। हाँ, एक ये है कि इसको क्लासिफाइड किया गया है, ये एक तरीके से एक्सपेक्टेड है कि ये आपके जो है कौन कौन से पेपर हैं जो जिसमें कंडक्ट कराए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है फर्स्ट है चित्रकला ड्राइंग वाले 35 सीट्स आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स वाले तो बहुत 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 अच्छी है, आप 103 सीट्स आप देखिए इकोनॉमिक्स में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे 103 सीट्स आने वाली है, बहुत अच्छी भर्ती है। अंग्रेजी के लिए 153 है, भूगोल में 150। जो अक्सर अभी कहते थे ना कि भाई हमारे तो सीटें 60 ही आती हैं, 70 ही आती हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप देखिए जिनमें 60-70 सीट्स हैं ना उनको देखिए यहाँ पे आने वाली भर्ती में आपके जो है बहुत ज़्यादा। अर्थशास्त्र में 103 है, अंग्रेजी के अंदर आप देख सकते हैं अंग्रेजी के अंदर 153 है, भूगोल के अंदर 150। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्योग्राफी वाले जितने भी मेरे भाई बंधु बहन सखा हैं उन सभी से मेरा अनुरोध है, लग जाइए तैयारी में। नेट सेट हैं तो वेल एंड गुड है, अभी से तैयारी कीजिए। और सेट हैं जो सेट में बैठने जा रहे हैं या नेट की तैयारी करें उनके लिए तो और गोल्डन अपॉर्चुनिटी के सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है दोस्तों। आपको एक ही सिलेबस के अंदर सेट नेट क्वालिफाइड भी हो जाएंगे, साथ ही साथ कॉलेज लेक्चरर भी बन जाएंगे। इसलिए कहता हूँ ये साल आपका नौकरी का है, ये साल अपने सपने को पूरा करने का है, तो तैयारी में लगे रहिए। हिंदी के देखिए, आपके हिंदी के लिए जो है आपके 214 सीटें, बहुत ज़्यादा है, आप अभी कट ऑफ देखें। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये ऐसे पेपर होते हैं इनमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो आपके पास मैं कॉलेज लेक्चर के बने रहिए, आप हमारे साथ में, तब तक आपको गाइड करता रहूँगा जितना भी मेरा थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है उसके सारे आपको गाइड करता रहूँगा कि आपको कितना रिटर्न में मार्क कवर करना है, किस तरीके से आप जो है अपने पढ़ाई को आप जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकते हैं, सब कुछ अपन बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप जो है इतिहास की 177 सीट्स एक्सपेक्टेड हैं, गृह विज्ञान होम साइंस की 39 है, जेनोलॉजी की 1, संगीत की 4 हैं, संगीत कंठ 12, पुस्तकालय विज्ञान 1, दर्शन शास्त्र 11, राजनीति विज्ञान की तो आप देखिए पॉलिटिकल, मैंने कहा ना जितने भी आर्ट्स वाले हैं उनके लिए तो बहुत खास है भाई, उनके लिए तो ह्यूमनिटीज़ वाले जो पेपर्स हैं उन सब में बहुत ज़्यादा भर्ती, 181 सीट्स आ रही हैं दोस्तों। मनोविज्ञान में 10, लोक प्रशासन में 45 है, 45 है, राजस्थानी 6, संस्कृत 76, सिंधी 3, समाज शास्त्र की, सोशोलॉजी की देखिए 80 सीट्स है, बहुत अच्छी सीट्स है, उर्दू के 24, वनस्पति शास्त्र बॉटनी की 70, केमिस्ट्री 81, भूगर्भ शास्त्र की 6 सीट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैथ्स की आएगी आपके, मैथ्स की आपके जो है वो है 53 सीट्स, भौतिक शास्त्र की, फिजिक्स की 60, प्राणी शास्त्र बायोलॉजी के 64, ABST की 86 हैं, अमूमन इतनी ही आती 86 के। तो कॉमर्स वाले मेरे विद्यार्थी देखे अभी भी ABST की बहुत हाई कट ऑफ गई है दोस्तों, 147 के आसपास गई है EWS में, तो आप देखिए 224 में से 147 जो है कितना ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आपके पास प्रेशर रहेगा
ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए आप कह रहा हूँ कॉमर्स के और मेन आपके जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और EFM वाले बच्चे तो जुड़े रहिए, आपको इतना अच्छा गाइड करेंगे कि आपकी ये सीट कंफर्म हो जाएगी, आप कॉलेज व्याख्याता बनेंगे। जुड़े रहिए बस हमारे साथ, ठीक है ना। EFM वाले आपके जो है EFM के अंदर है 70 सीट्स हैं, व्यावसायिक प्रशासन की 71 सीट्स आ रही हैं, इस बार कम है, 2018 में 124 127 के आसपास थी, अभी 71 सीट्स हैं, EFM के अंदर 70 हैं। आप तैयारी करिए दोस्तों, आपको तो केवल एक सीट से मतलब है, अपनी सीट को पक्का करने पर ध्यान दीजिए, बाकी सब आपके जो है तो सभी में जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो है बहुत अच्छी सीट्स हैं। आप अच्छी तैयारी करते रहेंगे तो ज़रूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लॉ के अंदर आपके 25 है, पंजाबी में 1, कृषि में 16, ठीक है ना। इसके बाद आपके जो आती है आपके सैन्य विज्ञान जो है उसमें 1, व्यवहारिक कला के अंदर 5, पेंटिंग्स में 5, मूर्तिकला 4, कला इतिहास 2, संग्रहालय विज्ञान 2, तबला में 2 और वायलिन में 2। ये इस तरीके से क्लासिफाइड है, ये अभी मैं फिर कह रहा हूँ ये केवल सोशल मीडिया पे आ रही है। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि 1952 सीट है, 1952 सीट्स हैं, ये बहुत क्योंकि अब तो RPSC ने भी, अगर हम इन इस सीट्स के बाइफरकेशन को भी नहीं देखे तो अपन RPSC ने जो RTI के थ्रू जवाब तलब दिया है उसमें 1952 सीटें बताई हैं, अपन को तो केवल इन पे फोकस करना है। अपनी तैयारी को धार दीजिए, 1952 सीट्स जो हैं वो बहुत अच्छी सीट्स हैं दोस्तों, तो तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो 2020 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी इसका नोटिफिकेशन निकाला था 2/11/2020 को। ये सबसे अंतिम और लास्ट अभी तक की जो ली गई भर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर की 2020 के अंदर सबसे नया जो है आपके पास नोटिफिकेशन, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मई 2023, अगर 2023 मई में जो भर्ती आने वाली उसका नोटिफिकेशन आएगा अपन उस पर भी बात करेंगे। अभी तक की जो पिक्चर है वो ये है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग इस नोटिफिकेशन के आधार पर जो है परीक्षा आयोजित कराएगा। देख सकते हैं आप, आज सहायक आचार्य के लिए जो है ये आपके नोटिफिकेशन आया था नवंबर 2020 के अंदर जो है ये नोटिफिकेशन आया था। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट नेम है जिनमें परीक्षा ली गई थी, फिर आपके जो है कैटेगरी वाइज जो क्या क्या सीट्स हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसी के अमूमन आसपास जो है आप मान के चल सकते हैं आपकी सीट्स आएगी, और उस समय जो है RPSC ने आप देख सकते हैं 2000 आपके जो है 918 918 पदों पर जो है ये भर्ती आयोजित की थी, 31 इसमें सब्जेक्ट्स थे। तो आप कई कुछ स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे थे कि भाई मेरे पास ये पेपर है तो क्या मैं आप एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ RPSC के। तो देखिए दोस्तों, ये 31 पेपर हैं जिसके अंतर्गत अमूमन यही रहने वाले हैं, 31 30, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, अमूमन इन्हीं पेपर्स के अंदर जो है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है वो आयोजित करती है। जैसे इसमें आपके नेम ऑफ सब्जेक्ट क्या है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, मैथ्स, फिजिक्स, जूलॉजी, ABST, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, EFM, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, जियोलॉजी, लॉ, ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश, ज्योग्राफी। देखिए पिछली बार ज्योग्राफी की आप कितनी 48 सीटें थी, अब आपके देख लीजिए 214 करीब सीटें आ रही, तो बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, म्यूजिक, वोकल है, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, उर्दू, होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन में, होम साइंस एजुकेशन एक्सटेंशन में, होम साइंस आपके होम मैनेजमेंट, होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट, होम साइंस क्लॉथिंग टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल एंड आपके जो है पंजाबी, ये जो है अमूमन इसी के अंदर जो है परीक्षा आयोजित करती है। तो जो भी मेरे भाई बंधु राजस्थान से बाहर
के हैं उनके लिए ध्यान रखिएगा। वहाँ के पेपर, हमारा पेपर पैटर्न राजस्थान का अलग है, उनका अलग है, तो इस पेपर पैटर्न के हिसाब से ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने सब्जेक्ट विषय सूची आपको बता दी है कि कौन कौन से विषय हैं जिसके अंतर्गत आपको परीक्षा जो है आयोजित होगी और आप किस में एग्ज़ाम भर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, मैनेजमेंट MBA वाले जो बच्चे हैं, जो आपके वो बिजनेस एड के अंदर पेपर में अप्लाई करते हैं, अभी भी वो कोर्ट केस में चल रहा है, अगर उन MBA वालों को अलाउ कर दिया जाता है तो वेल एंड गुड है, बिजनेस एड के अंदर आप भर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं करें तो आप अपनी मेहनत को ज़ाया ना करें दोस्तों, कहीं और ट्राई कीजिए, बिजनेस एड के अंदर नहीं लगाएं, ताकि उसे जो है बिना मतलब कोर्ट कार्रवाई में आप पड़ोगे। अगर कोर्ट जो भी फैसला लेगा, मैं तो चाहूँगा कि सभी की नौकरी लगे, लेकिन आप थोड़ा सा मैनेजमेंट और बिजनेस एड वाले ध्यान रखें कि बिजनेस एड मैनेजमेंट में बिजनेस एड वाले मैनेजमेंट वाले बिजनेस एड में ना लगाएं, कॉन्ट्रोवर्शियल है। जब भी इसके रिगार्डिंग कोई सूचना आएगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपके एक ये जो आपके भर्ती परीक्षा है, जिसके अंदर आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आप बता रहा था, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या होता है। देखिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की यहाँ पे जो है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के संदर्भ में बताया गया है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड GAR जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एटलीस्ट 55% और एन इक्वलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल वेयर ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड एट द मास्टर्स डिग्री लेवल इन द रिलीवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एन एक्रीडिटेड फॉरेन यूनिवर्सिटी। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो किसे मान रहा है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो मान रहा है 55%, 55% आपके मास्टर्स डिग्री कितने में होनी चाहिए, चाहे आप MA हो, ठीक है, या आप MSc हो या फिर आप MCOM हो, आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो उसमें आपके 55% होने अनिवार्य हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया था बाद में, इसको जो है रिलैक्सेशन दिया गया था, अभी अपन जो है यही मान के चलते हैं कि 55% जो है यहाँ पे आपके लिए क्राइटेरिया रहेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एक साथ ही साथ प्रीवियस MA, अगर मान लो MA है तो प्रीवियस वाले बच्चे ना भरें, प्रीवियस वाले नहीं भर सकते हैं, यहाँ पे आपको MA फाइनल में आप हों, और साथ ही साथ आपका नेट या सेट या PhD क्वालिफाइड होना ज़रूरी है, तभी जाके आप जो है कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम में भर बैठ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई झूठी सच्ची बात बता के एग्जामिनेशन में बैठ तो जाएंगे, लेकिन आपको सीट कंफर्म नहीं होगी दोस्तों, ये तभी कंफर्म होगी RPC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करती है, लास्ट में इंटरव्यू के समय आपसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगी, और तब जाके आपको झटका लगेगा कि नहीं भाई, अपन तो एलिजिबल ही नहीं थे। तो बेहतर है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मैंने बता दिया, साथ ही साथ आपका क्या होना चाहिए, बिसाइड्स फुलफिलिंग दी अबोव क्वालिफिकेशन, ये तो होनी चाहिए 55%, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द UGC, CSIR और सिमिलर टेस्ट एग्रीडेटेड बाय द UGC लाइक स्लेट और सेट। देखिए, यहाँ पे वो कह रहा है कि 55% तो आपके PG में होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, साथ ही साथ आपके नेट या सेट आपके होना चाहिए दोनों में से। अब देखिए, साइंस में CSIR होता है, ठीक है ना, CSIR वो CSIR नेट हो या फिर UGC नेट हो, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हो, या फिर आपके पास स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। तो देखिए, आपके लिए सेट जो 26 मार्च को होने जा रहा है, तो 26 फरवरी को आप मार्च में जो होने जा रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो लग जाइए धर पे, तैयारी करिए ज़बरदस्त और क्रैक कर जाइए, ताकि आप अपने सपने कॉलेज व्याख्याता बनने के सपने को पूरा कर सकें। ठीक है, ये दो हो गई गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। तीसरी बात क्या कह रहा है
कैंडिडेट्स हु आर हैव अवार्डेड अ पीएचडी डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2009 शैल बी एग्जम्प्टेड द रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ नेट स्लेट सेट फॉर रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। यहाँ वो ये कह रहा है कि देखिए यूजीसी का एक आपके जो है नोटिफिकेशन आया था, एक रेगुलेशन आया था, ठीक है ना। वो रेगुलेशंस क्या थे, वो रेगुलेशंस कहलाते हैं रेगुलेशन 2009 मिनिमम प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पीएचडी के रिगार्डिंग था, ठीक है। अगर आप दो इस रेगुलेशन के बाद 2009 के बाद अगर आपकी पीएचडी हुई है तो आप जो है अवार्ड होना, देखिए सबमिशन की बात नहीं कर रहा है, वो अवार्ड की बात कर रहा है। अवार्डेड होनी चाहिए, आपको उपाधि प्राप्त हो चुकी है, पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो चुकी है, वही कैंडिडेट जो होगा वो आपके नेट या सेट या स्लेट, पहले से स्लेट कहा जाता था, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट लेक्चर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट कहलाता था पहले, ये अब सेट के नाम से जाना जाता है। तो आपकी ये चार गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में कंडीशंस हैं। पहली 55% आपके होने चाहिए पीजी में। सेकंड सीएसआईआर के अंदर सी नेट सेट आपके स्लेट, इन तीन में से कोई एक क्वालिफिकेशन हो, और अगर नहीं है तो फिर 2009 के बाद पीएचडी अगर आपकी है अवार्डेड तो आप जो है नेट स्लेट के एग्जम्प्टेड हैं, आप डायरेक्ट कॉलेज लेक्चर की भर्ती परीक्षा में बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपके दोनों पॉइंट्स यहाँ पे समझा दिए हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया है और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपके ये पीएचडी के रिगार्डिंग जो है कुछ आपको दे रखा है कि न्यूनतम पात्रता शर्तों की अनिवार्यता से किसे छूट प्राप्त होगी। देखिए अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति से पीएचडी अगर आपने कर रखी है तो ही आप नेट स्लेट से एग्जम्प्टेड होंगे। नियमित पद्धति का मतलब है 2009 का जो रेगुलेशन है उसके अंडर में आपने पीएचडी करी है तभी जाके आप जो है आप जो है एग्जम्प्टेड होंगे नेट स्लेट या सेट से। अगर इससे पहले की है तो वो एग्जम्प्टेड नहीं है, याद रखिएगा। नो 2009 से पहले की अगर है, रेगुलर बेस पे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उससे पहले की पीएचडी आपकी रहे तो वो एलिजिबल नेट स्लेट या सेट से एग्जम्प्टेड नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज, कम से कम दो बारी परीक्षकों शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो, अभ्यर्थी का मुक्त मौखिक परीक्षा आयोजित की गई हो, ये सब आपके जो है कहने का मतलब है 2009 से पहले अगर आपकी पीएचडी है तो आपको इन कंडीशंस को फॉलो अगर आप कर रहे हैं तो ही आप जो है नेट सेट और स्लेट से एग्जम्प्टेड होंगे और कॉलेज लेक्चर के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं है, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर जो है आपको और क्या चीज़ है, आपके एक ना ये जो पहले था गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का, अब उसके अंदर फिर आपको शिथिलता प्रदान की गई थी। देखिए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर हर समय ऐसा तो नहीं है कि आपके जो है परसेंटेज अच्छी रही हो, कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी कारण के वश कमियां आती, तो उसके लिए सरकार ने शिथिलता दी थी नियमों में, फिर कहा था कि आपके जो है अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर हैं, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिलेयर एवं निशक्त जन जो हैं उनको 5% अंकों की छूट दी गई है। मतलब उनके लिए 55 का नहीं, उनके लिए 50% का क्राइटेरिया है। किन के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं, आपके अति पिछड़ा वर्ग है, निशक्त जन है, ये तब उनके लिए 5% की छूट दी गई है, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो आपके एज इट इज़ हैं, आपको नेट सेट वगैरह तो एलिजिबिलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है। आपके आगे देखिए, आपको साथ ही साथ आपके जो है शैक्षणिक अर्हता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। हाँ ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये कह रहा है
कि ये जो अपेक्षित जो आपसे शैक्षणिक अर्हता है, जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी ये क्राइटेरिया जो है ना, ये आपको कब तक फुलफिल करना है। देखिए ये कह रहा है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वे अपात्र होगा। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप एमए हैं, प्रीवियस ईयर में हैं, तब तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन अगर आप एमए हैं फाइनल के अंदर तो आप एलिजिबल हैं, बशर्ते आपको जब आपके कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर इंटरव्यू जब कंडक्ट करा रही हो आरपीएससी, उस समय फाइनल क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। मतलब फाइनल की डिग्री, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है तो 55% के साथ और रिजर्व कैटेगरी है तो 50% के साथ आपकी फाइनल की जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी जाके आप इंटरव्यू के लिए पात्र माने जाएंगे, अन्यथा आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड होने के बावजूद भी डिसक्वालिफाइड इस बिहाफ पे हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, प्रीवियस वाले ना नेट का फॉर्म भरें ना सेट का भरें, एक साल और अच्छे मेहनत करें, फाइनल में जो हो केवल वही भरें जिससे आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो। मैं कई ऐसे उदाहरण बता सकता हूँ जो बच्चे प्रीवियस के अंदर ही जो है नेट सेट क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। प्रीवियस के अंदर क्वालिफाइड होने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, वो आपको वैलिड नहीं है सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट फाइनल में बैठ रहे हों, रिज़ल्ट आ चुका हो, या फिर आप जो है बैठ रहे हों या रिज़ल्ट आ चुका हो, ये दो कंडीशन होगी तभी जाके आप जो है अगर नेट क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप जो है नेट और सेट का आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा और आप कॉलेज लेक्चरर बन पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आयु सीमा तो मैं आपको बता ही दी है, आयु सीमा आपकी एज क्राइटेरिया राजस्थान में तो बहुत अच्छा मौका दिया जाता है, 40 साल तक, 40 ईयर्स, जनरल कैटेगरी वाले भी 40 ईयर्स तक जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर रिजर्व अदर आपके जो है ये अधिकतम आयु में दे छूट। यहाँ पे जब भी नोटिफिकेशन आएगा 2023 वाला, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पे मैं जो है आज अपना जो आपके जो थंबनेल के अकॉर्डिंग जो मैंने बना रखा है उन क्वेश्चंस पे अपन बात करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपके मैंने बता दी है, ठीक है। एग्जामिनेशन स्कीम आपको एक बार फिर बता देता हूँ, वही है आपके पेपर वन सब्जेक्ट कंसर्न विद दी पोस्ट होगा 75 का, पेपर टू होगा आपके फिर सब्जेक्ट का 75 मार्क्स का, और जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा 50 मार्क्स का, टोटल 200 का तो क्वेश्चन पेपर होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, और अभी जो है वो 24 नंबर है, सरकार इसको कम करने की सोच रही है इंटरव्यू में कि 20 नंबर तक किया जाए। वो जब भी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर जो है ये 24 नंबर यहाँ पर आपके लिए इंटरव्यू और 200 टोटल 224 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी है। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ अपने उस चीज़ पे कि आपके जो है एपीआई स्कोर क्या बला है, एपीआई क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, नेक्स्ट स्लाइड जो है ये है अपने एपीआई स्कोर क्या बला है, ये देखना है आपको। देखिए एपीआई की फुल फॉर्म होती है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, एपीआई, एफ स्टैंड फॉर एकेडमिक, पी स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस, आई स्टैंड फॉर इंडिकेटर। ये आपके जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके जो है एपीआई की चर्चा चल रही है। देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था आपके 2018, और इस ड्राफ्ट के अंदर क्या है, इस ड्राफ्ट के अंदर है सारी समस्याएं, सारी जंजाल इसी की वजह से पैदा हुए हैं। अभी क्या है वो मैं आपको समझाना की कोशिश करता हूँ। देखिए ड्राफ्ट है आपके यूजीसी रेगुलेशन आपके जो है आया था
ये जो फरवरी 2018 का जो ये ड्राफ्ट है, ये है यूजीसी रेगुलेशंस ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज एंड मेजर्स फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन 2018। ये इसका पूरा नाम है, बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत बड़ा जी जंजाल है। क्यों है? क्योंकि स्टेट्स जो है राजस्थान खासतौर से अभी इस चीज़ पे चल रहा है कि आने वाली जो आपकी जो भर्ती है एपीआई स्कोर के आधार पे कराई जाए कि नहीं कराई जाए, क्या है, इन सब मामलों पे विचार विमर्श चल रहा है। अगर एपीआई स्कोर लग गया तब तो मान के चलो जिनकी पीएचडी कंप्लीट है वो करीब करीब चांसेस होंगे, उनके चांसेस 100% होंगे सिलेक्शन के, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एपीआई स्कोर में सीधा 20 से 25 नंबर जो है इंटरव्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके पीएचडी कंप्लीट होने, अवार्ड होने के 20 से 25 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपन मैं बात दे गया आपको, जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये दे दूंगा कि आपके ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये पूरा ड्राफ्ट जो है ये बनाया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के, असिस्टेंट एसोसिएट और प्रोफेसर्स के लिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्या पे स्केल होगा, किस तरीके से रिक्रूटमेंट है, देखिए आपके जो है रिक्रूटमेंट एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में ये आपके बताता है। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल और केवल वहाँ पे ही अपन चलते हैं कि ये आपके जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन देख लीजिए, नेट स्लेट और शेल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच डिसिप्लिन फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड। जिन परीक्षाओं के लिए, जिन विषयों में ना तो नेट होता हो, ना स्लेट होता हो, ना सेट होता हो, जिन भी विषयों में रिक्वायर्ड फॉर सच डिसिप्लिन विषयों में, उनके लिए नेट स्लेट और सेट कंडक्ट नहीं कराया जाता तो वहाँ पे उनके लिए नेट सेट और स्लेट की जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी। याद रखिएगा, आप अपने जो पीजी जिसमें कर रहे हैं वो अगर उसके अंदर ना तो नेट होता है ना सेट होता है तो फिर आपके लिए ये बाध्यता भी नहीं होगी, ठीक है ना। एक और चीज़ आपके जो इम्पोर्टेंट है वो है मिनिमम ऑफ 55%। फिर देखिएगा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेन पीजी के अंदर बैठ रहे हैं, फाइनल के अंदर हैं, मेन एग्ज़ाम में हैं, तो आपके 55% ओवरऑल पीजी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो 55% से होना ज़रूरी है। इसमें फिर एज रिलैक्सेशन 5% का दिया गया है रिजर्व्ड कैटेगरी को, ठीक है ना। यहाँ पे नेट सेट क्या हो गया है आपके, साथ ही जो है आपके पीएचडी मैंडेटरी होगी, पीएचडी शेल बी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। अब आप देखिए, मैंने अब जैसे अपने थंबनेल में भी दे रखा है कि क्या पीएचडी की उपाधि अनिवार्य है। देखिए इसके ऊपर अभी विचार विमर्श चल रहा है। एपीआई स्कोर अगर, जो मैं आगे बात करूंगा समझाऊंगा, एपीआई स्कोर अगर आपकी इस भर्ती में लागू होगा तब तो पीएचडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अनिवार्य हो जाएगी, ठीक है। और अभी भी प्रोफेसर्स रैंक पे जाने के लिए और प्रमोशन के लिए आपको पीएचडी मैंडेटरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा राजस्थान में जहाँ जहाँ भी आपकी पीएचडी के रिगार्डिंग जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उस एंट्रेंस टेस्ट के रिगार्डिंग जो है आपके नोटिफिकेशन जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराती, रेट जिसे कहा जाता है रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके रिगार्डिंग भी जो नोटिफिकेशन निकाले हैं, जैसे अभी मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी का आया हुआ है, उसको भी अपन पूरे ढंग से समझ जाएंगे। आप बने रहिए अपने इस भाई के साथ, जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि हमें भी हौसला मिले और मैं इसी हौसले, इसी आपके आशीर्वाद दुआओं के साथ अच्छे से अच्छा वीडियो आपके साथ, सूचनाओं और ज्ञानवर्धक बातें आपके साथ शेयर करता रहूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है पीएचडी आपके लिए, पीएचडी बहुत बहुत, अगर कॉलेज लेक्चर बनना चाहते हैं दोस्तों तो पीएचडी मैंडेटरी है करीब करीब, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो।
मैंडेटरी है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। अब तो मैंने जैसे मैंने अभी मेरे जो आपके बजट पढ़ा रहा हूँ राजस्थान बजट, उसमें भी मैंने बताया कि अगर राजस्थान में आप नेट सेट क्वालिफाइड है और पीएचडी आप कर रहे हैं तो सरकार आपको 20,000 रुपये महीना, 3 साल के लिए 20,000 रुपये महीना आपको आपको जो है आपके पीएचडी की पढ़ाई के लिए भी देगी। तो आपके लिए पीएचडी बहुत हर हर सूरत में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पीएचडी के लिए ज़रूर एनरोल हो जाइए ताकि आप जो है आगे प्रमोट भी हो सके और एपीआई इसको लग जाए तो फिर तो आपको इंटरव्यू में सीधे के 20 से 25 नंबर का आपको एडवांटेज भी मिल सके, ठीक है ना। ये आगे आप चलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है आपके, देखिए पहले बता दूं ये आपके प्रिंस आपके जो प्रिंस आपके जो सब्जेक्ट्स हैं डिसिप्लिन्स हैं वो आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंसेज, साइंसेज, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरी साइंस, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी क्या होगी वो मैंने आपको बता दी है, 55% तो आपके जो है पीजी में होने चाहिए, नेट सेट या पीएचडी आप 2009 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ये अगर आप तीनों में से कोई एक हैं तो आप ज़रूर कॉलेज व्याख्याता का एग्ज़ाम में बैठिए और अपने सपने को साकार कीजिए। बहुत अच्छी जॉब होती है जॉब, आप दोस्तों आप जॉब आप जो है आप कॉमर्स के हैं तो आप जानते होंगे जॉब आपके जो नेचर जॉब का जो नेचर होता है वो आपके नेचर से अगर से मेल खाता है तो आप तभी जाके सेटिस्फाइड हो पाएंगे। तो ये जो जॉब सेटिस्फेक्शन तो तभी मिलेगा ना जब आपकी पसंद की जॉब होगी, और अगर आप पढ़ने पढ़ाने का शौक रखते हैं तो ये इससे बेहतर जॉब नहीं हो सकती दोस्तों, बहुत ही शानदार। आप देखिए इसका पे स्केल जो होता है वो आपके आईएएस के बराबर होता है, जिसे वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम कहते हैं इंडिया का, उसके बराबर पे स्केल होता है एक आपके आई असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो ज़रूर थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। पीएचडी के रिगार्डिंग मैंने आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बता दिए हैं आपके। आज अब अपन जो बहुत इम्पोर्टेंट है सेगमेंट एपीआई स्कोर क्या है भाई, ये यहाँ पे जो टेबल नंबर 3A जो एनेक्सचर में दे रखी है ना, टेबल 3A, ये टेबल 3A जो है 3A, ये तो क्राइटेरिया दे रखा है आपके शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। देखिए यूजीसी का ये रेगुलेशन ये कहता है कि भाई आप कोई भी आप चाहें तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम लीजिए चाहे मत लीजिए, आपको क्या लेना है इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, इंटरव्यू के बिहाफ पे जो है आपको कॉलेज लेक्चर बनाना है यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। उसके लिए उन्होंने जो है एनेक्सचर दे रहा है, उसमें एपीआई होता है आपके आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसके आधार पे आपके मार्क्स को जो है वेटेज दिया जाता है। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में तो ये हर यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जाता है, जैसे ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% से ऊपर नंबर है तो 15 पॉइंट है, 60 से 80 के बीच में है तो 13 नंबर है, और 55 से 60% अगर आपके हैं तो आपको 10 नंबर ग्रेजुएशन के मिलेंगे। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन के 80% नंबर हैं आपके, 80 और इससे ऊपर हैं तो 28 नंबर हैं, 60% से 80% के अंदर है तो 25 नंबर है, और 55% से 60% के अंदर आपके नंबर है तो 20 नंबर हैं दोस्तों। ये एपीआई स्कोर होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है ना। एमफिल के भी यहाँ पे नंबर, ये देखिए पीएचडी के अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं तो सीधे पीएचडी अवार्ड होते 30 नंबर पक्के हो जाते हैं, यहाँ फिर भी कुछ भी आपको इतनी मेहनत है, यहाँ तो केवल पीएचडी करते के साथ ही 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही नेट जेआरएफ हैं तो आपके 7 नंबर है, और नेट इक्विवेलेंट है मतलब अगर आप सेट क्वालिफाइड होंगे तो आपको 5 नंबर इसके मिलेंगे। फिर रिसर्च पेपर वगैरह सबके टीचिंग एक्सपीरियंस 10 नंबर उसके हैं, टोटल नंबर आपके जो है 100 नंबर का आपका जो इंटरव्यू होता है उसके अंदर इस हिसाब से जो है आपकी मार्किंग की जाती है, ठीक है। ये तो था यूनिवर्सिटीज़ में, हम क्योंकि कॉलेज में हैं हम कॉलेज की बात कर रहे हैं। टेबल 3B जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये एपीआई स्कोर अगर सरकार लेके आती है राजस्थान सरकार तब ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस, कॉलेजेस में प्रोफेसर के लिए आपके क्या बाध्यता है, आपके लिए क्या स्कोर होना चाहिए एकेडमिक। देखिए अगर आप ग्रेजुएशन में हैं 80% से अबव तो 21,
60 से 80% है तो 19 नंबर, और 55 से कम और 60 के अंदर अंदर आपके नंबर हैं तो 60 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन के एमफिल के यहाँ देखे पीएचडी के मार्क्स हैं 20। अगर इस भर्ती 2023 में जो भर्ती ली जा रही है एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखना पड़ेगा, अगर सरकार ने एपीआई स्कोर लगा दिया तो सीधे पीएचडी वालों को 20 नंबर मिलेंगे। वैसे जहाँ तक चांसेस हैं सरकार एपीआई स्कोर इस बार भी नहीं लेके आ रही है, तो बहुत बढ़िया है उन मेरे भाई बंधु बहनों दोस्तों के लिए जो पीएचडी नहीं है, उन अवार्ड नहीं हुई है, लेकिन आप मानस जरूर बनाइए दोस्तों, आपको पीएचडी करनी ही करनी है अगर कॉलेज लेक्चर बनना है तो। ये पूरा एपीआई स्कोर की टेबल भी मैं अपने उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल दे रखी है, ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये मेथोडोलॉजी और फॉर लाइब्रेरियंस के लिए है, बाकी हर सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं, सभी के लिए अपने अपने सब्जेक्ट में जो आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है उसके अंदर जो है आप देखिए यहाँ आपके जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मैंने सूचना अभी तक आपके लिए बताई हैं उन सब पे सोच कर समझ कर अच्छे से और मन मने स्थिति को पूरे अच्छे से बनाकर कि हाँ मुझे कॉलेज लेक्चर बनना है, आप यकीनन बन सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पे, अपने संकल्प शक्ति के बल पे। अगर आप अगर संकल्प ले लें कि मुझे बनना है कॉलेज लेक्चर तो ज़रूर अवश्य बनेंगे। आप बस जुड़े रहिए अपने इस भाई के साथ, समय समय पर मेरा यही उद्देश्य है कि कॉलेज लेक्चरशिप तक आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाए कि आने वाली भर्ती आपके लिए एक अपने सपने को साकार करने वाली हो। आप अपना, अपने माता पिता का, भाई बंधु बहन जिसके लिए भी आप जो है ये सपना देखते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो वह अपने आप अपने उस सपने को ज़रूर पूरा कर पाए। तो दोस्तों आगे भी अपन मिलते रहेंगे इसी तरीके से, और अच्छी बेहतर इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने इस भाई के साथ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जी भर के जीवन का आनंद लीजिए। आप सभी में विराजमान परमात्मा को मेरा प्रणाम, आदाब, जय हिंद।